के वो रिलीज का क्या एक्सपीरियंस होता है महारानी से मुझे कहीं मेरे दूर के रिश्तेदारों से कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं कि मैंने आपका वो सीरीज देखा hmm. दहाड़ से मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं मुझे लगता है कि OTT की रीच ज्यादा बड़ी है हाय मैं हूं सोम शाह और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा सो हम वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा थैंक यू रोहित थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी आपसे दूसरी बार बात करने का मौका मिल रहा है जी तो मैं आपको वापस थोड़ा पीछे ले जाऊंगा आप क्योंकि उस बात को समय हो गया आप श्री गंगानगर से जब निकले थे यहाँ के काम करने के लिए जी जब आए थे अब अब आपको लगता है मुंबई आपका शहर है अब आपको लगता है हाँ मैं यहाँ सेटल्ड हूँ मुझे बिल्कुल अभी लगता है कि एक टाइम था जो बहुत टफ टाइम था मेरी लाइफ में करीब दस साल एक बहुत ही मैंने मेंटली ट्रॉमा झेला है कि आपको लगता है कि आप यहाँ फिट नहीं होते हो क्या होता है कि सोसाइटी में मुझे लगता है कि हम पर बहुत सारे पीयर प्रेशर होते हैं कुछ तो हम खुद ही अपना लेते हैं खुद ही अपने आप को जज कर लेते हैं तो दस साल मेरी जिंदगी के ऐसे गुजरे हैं जहाँ मैं हमेशा सोचता था कि यार मैं छोड़ दूँ क्या मैं चला जाऊँ क्या मैं छोड़ दूँ क्या मैं चला जाऊँ क्या और जबकि मुझे लग रहा था कि यार मैं एक्टिंग कर सकता हूँ एट द सेम टाइम एक तो ये हो गया आपको लगता है कि यार एक्टिंग अपने से हो ही नहीं रही है और आपको मजा नहीं आ रहा है। तो आप छोड़ देते हो तो अलग बात है तो अलग बात है पर मुझे लग रहा था कि एक्टिंग मुझे मैं कर पा रहा हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है और एट द सेम टाइम एक अजीब सा आइसोलेशन है इस शहर में इस शहर के बी एन ए शहर के लैंडस्केप में एक आइसोलेशन है कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगे हैं ब्रीदिंग स्पेस नहीं है एक ये अलायदा शहर है पूरे हिंदुस्तान में बाकी अगर आप नॉर्थ से हो तो दिल्ली लखनऊ सब मिलते जुलते शहर लगेंगे कोई शहर बड़ा हुआ कोई छोटा हुआ तो मैं बहुत इन सब चीजों से गुजरा हूँ और फाइनली तुम बाड़ के बाद तुम्बा से जो प्यार मिला और एक मुझे लगता है कि समय होता है कि आप जब पैंतीस चालीस साल के हो जाते हो तो आप धीरे धीरे समझ जाते हो चीजें कि कहीं फिट इन होने की जरूरत ही नहीं है यू आर इनफ करेक्ट आप अपना काम करते जाओ कोई ऐसी कुछ खास बात है ही नहीं तो अभी मुझे जब मैं गंगानगर में होता हूँ तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैं गंगानगर में हूँ या मैं बॉम्बे में होता तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बॉम्बे हूँ मेरे लिए सेम हो गया मतलब वहाँ भी मेरा घर जो है मेरे ऑफिस से पांच मिनट की दूरी पर है और यहाँ भी मेरा घर जो है मेरे ऑफिस पा, से पाँच मिनट की दूरी पर तो वो अब कहीं जाकर एक प्रेशर ख़त्म हुआ है कि यार इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आ, कौन कितना कूल है किसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है किसको कितनी नॉलेज है या लेकिन एक अजीब सा यहाँ होता है कि लोग इंटेलेक्चुअल एक वर्ड यूज़ करते हैं कि लोगों ने वर्ल्ड सिनेमा देखा है या आ, उनका म्यूज़िक का टेस्ट बहुत अच्छा है इट्स फाइन अकॉर्डिंग टू मी कि जो मैं लाइफ hmm. से समझाऊँ hmm. कि आप अपना काम ईमानदारी से करो hmm. तो अब कहीं जाकर मुझे लगता है कि मैं वहाँ पहुंचाऊँ यू hmm. नो you know, वो दस साल जो गुजरे अगर आपको लगता था कि शायद वो जब ख्याल आया कि मैं वापस जा रहा हूँ hmm. किस चीज़ ने आपको रोका मुझे तुम्बाड़ ने बहुत रोका बिकॉज hmm. okay. ये फिल्म थी जब हम बना भी रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम कुछ अलग बना रहे हैं और जो आसपास के लोग हैं मेरी वाइफ Uh, मेरे पार्टनर आदेश जिसने फिल्म को डायरेक्ट भी किए तो उसको लगता था कि यार वी आर मेकिंग समथिंग वेरी स्पेशल यू शुड वेट फॉर दिस यू शुड वेट फॉर दिस तो आपको एक होप होती है ना कि यार मतलब लाइफ में होता है क्या यार होप ही होती है कि होप से एक समय निकल जाता है फिर आप इंसान चेंज हो जाते हो या लाइफ आपको कुछ और दे देती है तो आपकी जर्नी चलती रहती है तो तुम एक मेरी ऐसी होप थी जिसके सहारे मेरे वो दस साल निकल गए नहीं तो मैं वापस चला गया होता पर वो उन दस सालों में आपने लाइफ देखी समझी सीखा तो आपको लगा कि हाँ यार अभी यहाँ रह सकते हैं ऐसा कुछ कोई कुछ खा नहीं, नहीं। जाएगा आपको <laughs> नहीं नहीं वो फीलिंग आती है बराबर तुम्बार ने आपकी लाइफ काफ़ी बदल दी उसको फिल्म को रिस्पेक्ट मिली प्यार मिला जो आप कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल सबने यू नो क्रिटिक्स ने सबने एक बहुत अच्छे रिव्यूज दिए लोगों को पसंद आई और यू नो अगर

तो एक अजीब से नहीं तो फियर में आप जीते रहते कि आप कौन हो यू आर नो बड़ी एटलीस्ट यू हैव मेड अ फिल्म तो यू आर हैड़ी तो मुझे लगता है कि उतना हुआ है मेरे लिए हाँ। और डेफिनेटली तुम बाढ़ नहीं होती तो पता नहीं शायद मैं आज यहाँ नहीं होता मैं लौट गया होता कुछ और ही जर्नी होती है। ये कहा जो आपने एक चीज कही बहुत इंटरेस्टिंग है आपने कहा कि यू नो अगर किसी को एक्टिंग नहीं आती है तो वो चले जाएंगे लेकिन अगर किसी को एक्टिंग आती है तो वो एक फ्रस्ट्रेटिंग चीज है मुझे एक्टिंग आती है आई एम गुड और मुझे और काम करना है हाँ बिल्कुल है क्योंकि और शायद मुझे लगता है कि डीप डाउन ना ये होता है कि मुझे लगता है हमारा माइंड जो है ना ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हमको लगता है ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है मतलब मैं किसी भी टी बात ही कर रहा हूँ सबको ही पता है मुझे लगता है पर जो हमारा माइंड है ये बहुत दुश्मन है ये आपको नीचे गिराता ही रहता है कि कैसे सर्वाइव करोगे कैसे करोगे वहाँ इतने खुश थे यहाँ ये थे सो कैलकुलेशन चलती रहती है और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि आपको लगता है कि आपको ये आता है और आपको इसको सीख कर बेहतर हो सकते हो पर एट द सेम टाइम आपको लग रहा है कि आज का टाइम निकालना बहुत टफ है ये टाइम कैसे निकलेगा बट आई गेस वो डीप डाउन आपके एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कि यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर इसीलिए जो ये फील्ड है yeah. uh, मुझे लगता है कि बहुत टफ फील्ड है yeah. आप किसी भी आदमी से मिलोगे तो आपको इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलेगी हर आदमी की एक बहुत yeah. uh, अलग इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी तो बहुत uh, उससे गुजरना पड़ता है yeah. पर ऐसी फील्ड कहीं और नहीं है yeah. कि आप लाइफ आ, को इनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो लाइफ में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो तो मजेदार फील्ड है कि इंटरव्यू हो रहे हैं मेकअप हो रहा है हेयर हो रहा है कपड़े आप सुंदर पहन रहे हो ये काम है आपका या, या, या। आपका काम है आपकी बॉडी का ख्याल रखना तो इससे अच्छा प्रोफेशन क्या होगा तो लोग मतलब शुगर हो जाती है किसी को ये ध्यान रखो वो ध्यान रखो हमारा तो प्रोफेशन कहता है कि भैया जिम जाओ वर्कआउट करो हाँ, आप सुंदर रहो तो इससे हाँ, बढ़िया प्रोफेशन क्या हो सकता बिल्कुल, बिल्कुल, things, या, बिल्कुल है you know, वो वाला प्ले करने के लिए आपने क्या किया किस पुलिस वालों से मिले फिल्म देखी क्या किया अब मैं एक तो क्या कि मैं स्मॉल टाउन से हूँ तो मुझे लगता है कि ये आज के जमाने में प्रिवलेज हो गई है जो दस पंद्रह साल पहले जो स्मॉल टाउन से लोग होते थे तो वो प्रिविलेज नहीं थी वो माइनस था क्योंकि उस समय वो गोरे चिट्टे लोग बॉडी वाले लोग और फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले लोग उनका ही उन पर ही फिल्में बनती थी उन पर ही चीज़ें बनती थी तो आ, मैं स्मॉल टाउन से हूँ तो एक एक्सपोजर होता है कि मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है अपने आसपास पास क्या आपने एक नेता भी देखा होगा आपने पुलिस वाला भी देखा होगा या ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे बहुत सारे आपकी जर्नी में गुजरते हैं तो मुझे लगता है उसने बहुत हेल्प किया बट uh, डेफिनेटली मैंने बहुत इसकी uh, वो किया मैंने रेकी किया मैं बहुत सारे पुलिस थानों में गया अच्छा तो uh, बहुत ही कूल एटीट्यूड होता है कि एक लेडी पुलिस ऑफिसर थी सब उसको सांप बुला रहे थे वो सबके साथ बैठ कर चाय पी रहे हैं वो नाश्ता कर रहे हैं तो मैनरिज्म जो होता है बहुत ही खुला हुआ मैनरिज्म होता है उन लोगों का तो वो मुझे काफी मैंने उस पर काम किया पर मेरे लिए ये था कि उसका ग्राफ करना बहुत मुश्किल था धाड़ में जो उसका ग्राफ है कि वो कहाँ से चलता है और कहाँ से पहुंच जाता है, तो वो बहुत टफ काम था तो उसमें मुझे लगता है कि रीमा का बहुत हेल्प रहा राइटर्स का बहुत हेल्प रहा तो ऐसे करके मुझे लगता है कि निकल गया अच्छा यू नो वेल रिटर्न था कि you know, पता नहीं था ये साथ, इस साथ है, इस है, है। मैंने आपको बताया अभी मेरी फेवरेट सीन ये थी जब वो आपको कहता है कि आप कहते हो पुलिस वाले से ड्राइव मांग रहे हैं <laughs> या <laughs> yeah. वो बहुत यू you नो know, ये सब ये, ये सब स्क्रिप्ट में था और आपने Uh, खुद ऐड किया ये सब नहीं काफी कुछ स्क्रिप्ट में था पर काफी कुछ मैंने बनाया भी Correct. कि हाँ, जैसे सब... कि ये चीज तो हमेशा स्क्रिप्ट में थी कि अरे पुलिस वाले से परमिट मांग रहा है पर जैसे कि वो इंस्टा पे है हां हाँ. ये सब मेरे आइडियाज थे तो okay. क्योंकि मैंने पहली बार मतलब दूसरी बार तुम बाढ़ के बाद थोड़ी बॉडी बनाई थी स्कूल के लिए

ओपन थे या आप जब आइडिया ऐसा कुछ लेके जाते हैं क्या कहते हैं डायरेक्टर राइटर रिमा तो बहुत ओपन है यार okay. म, मुझे बहुत मजा आया उनके साथ काम करके नहीं. नहीं। 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 मैंने मेरे पहले भी इंटरव्यूज में एक दो किस्से सुनाए उनके तो एक तो वो बहुत केयर करती है अपने क्रू की बहुत ध्यान रखती है एक छोटा सा इंसिडेंट था कि हम शूट कर रहे थे और इंडोर शूटिंग थी तो और मुझे भी पता है कि चश्मे नहीं okay. पहनने चाहिए पर मेरे कैरेक्टर को अलाउड था मेरा कैरेक्टर चश्मे पहन सकता है ये मुझे लगता था तो मैंने कहा मैं रीमा चश्मा पहन लूँ गए तो उन्होंने कहा कि नहीं यारो हम जाएगा नहीं मैंने कहा ठीक है hmm. तो बट यू यू वॉन्ट टू ट्राई ठीक है तो उन्होंने एक, एक शॉट लिया okay. तो, तो उन्होंने कहा इट्स नॉट वर्किंग हमने निकाल दिया बात खत्म हो गई ये बात है सुबह आठ नौ बजे हम कहीं शूट कर रहे थे हम बारह बजे के आसपास कहीं आउटडोर शूट कर रहे थे एक्सटीरियर में शूट कर रहे थे तो रीमा आई मेरे पास hmm. कि यू कैन वेयर ग्लासेस

तो पर आई एम वेरी लकी कि तो काफ़ी उन्होंने मुझे करने को दिया मौका जब सीरीज़ पे कुछ रिलीज़ होता है वो रिलीज क्या वो रिलीज़ का क्या एक्सपीरियंस होता है कहाँ कहाँ से फीडबैक आता है किस किसने देखा अलग सा होता है कि जब आप हम यहाँ बनने आते हैं तो आपको लगता कि है कि सेवेंटी एम पी फिल्म चाहिए थिएटर में वो हमेशा अभी भी मेरा पहला प्यार है।, है और एज ए प्रोड्यूसर मैं वही फिल्में बना रहा हूँ जो मुझे लगता है कि सिनेमा में जा सकती है। okay. पर सीरीज का कुछ अलग है hmm. मुझे लगता है एक तो सीरीज के कारण ना ऑडियंस बढ़ गई है hmm. जो लोग सिनेमा जाना छोड़ दिए थे अपने 50's में वो भी फोन पे देख रहे हैं है। तो महारानी से मुझे कहीं मेरे दूर के रिश्तेदारों से कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं कि hmm. मैंने आपका वो सीरीज देखा hmm. दहाड़ से मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं मुझे लगता है कि ओटीटी की रीच ज्यादा बड़ी है क्योंकि आप फ्री में देख रहे हो या कम पैसों में देख रहे हो घर पे देख रहे हो अपनी कन्वीनियंस से देख रहे हो तो बहुत अलग अलग जगह से बहुत दूर तक पहुंचते हैं और बहुत प्यार मिला है मुझे मतलब मुझे तो लगता है कि मेरा करियर जो बना है वो ओ टी टी पे बना है तुम बाढ़ को लोगों ने सिनेमा में कम देखा, हाँ। और देखा अच्छा। है और ओ टी टी पे ज़्यादा देखा है महारानी दहाड़ जो भी मेरे काम है तो मुझे लगता है कि बहुत प्यार मिला है बहुत लोगों तक पहुँचती है ये बिल्कुल आप ओ टी टी के व्यूअर हैं खुद हाँ मैं देखता हूँ मैं पर बहुत ज्यादा नहीं देखता हूँ कॉन्टेंट क्योंकि इतना है ना कि आप कन्फ्यूज हो जाते हो तो कि आपको लगता है कि यार ये देख लो वो देख लो फिर कोई कल्ट क्लासिक देख लो कोई ये देख लो आ, तो मेरे लिए प्रॉब्लम होती है पर मैं देखता हूँ जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं देखता हूं। पर मैं ना कॉमेडी का बहुत व्यूअर हूँ और कॉमेडी में भी मुझे लगता है कि यार मुझे ना इंडियन कॉमेडी देखनी होती है कपिल शर्मा नहीं नॉट कपिल शर्मा लाइक जाने भी दो यारो जो हमारी फिल्में हैं मैं बार बार देख सकता हूँ हेरा फेरी वेलकम मैं ये और मुझे लगता है कि जैसे गोविंदा के सब no. हीरो हाँ। नंबर और वो जो अमेरिकन ह्यूमर होता है हाँ। वो मुझे उसमें इतना मज़ा नहीं आता मैं कनेक्ट हाँ। नहीं कर पाता करेक्ट, तो मेरे लिए वो बहुत मजेदार होता है पर अच्छी कॉमेडी फिल्म्स बनती नहीं है हाँ। मतलब मेरे लिए बेस्ट संडे है की आप अपनी फैमिली के साथ हो और एक कॉमेडी फिल्म चल रही है वो मेरे लिए बेस्ट संडे है अच्छा आप करना चाहेंगे मैंने की एक फिल्म लव रंजन के लिए इट्स अ साइलेंट फिल्म उसमें नुसरत भी है नौरा भी है और अभी भी एक दो चीज़ें और मैं कर रहा हूँ मैं कॉमेडी करना चाहता हूँ मुझे okay. बहुत मैं कॉमेडी okay. की ऑडियंस हूँ मैं एक्शन की ऑडियंस नहीं हूँ okay. इधर मुझे कॉमेडी में बहुत मज़ा आता है या कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिसमें आपको लगता है कि यार आप लाइफ में कुछ सीखे hmm. जैसे एक hmm. फिल्म है इरानियन फिल्म है सेपरेशन करके hmm. बहुत अच्छी फिल्म है एक फ्रेंच फिल्म है आमोर करके और एक इनकी पैरासाइट वाले डायरेक्टर की फिल्म है मेमरीज ऑफ मर्डर करके तो या तो ऐसी कुछ फिल्में हों या कॉमेडी फिल्म हों थ्रिलर का मैं कम ऑडियंस uh, हूं मैं कौन कहेगा तुम बार बनाने वाले कॉमेडी में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं <laughs> 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 मैं कॉमेडी में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ मैं शाहरुख खान में बहुत इंटरेस्ट <laughs> रखता हूँ और मैं शाहरुख खान बनने आया <laughs> था यहाँ तो पर आई गेस की डेस्टनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आप करने कुछ और आए हो शायद आपकी किस्मत में कुछ और लिखा है पर मुझे मजा आ रहा है तुम बाड़ बनाने में भी और अब मैं नया कुछ ट्राई करना चाहता हूँ तो मुझे कॉमेडी करना है आपको बहुत कुछ बनाने का प्लान है पर जहाँ तक ये रिमेंबर वाली बात है ना ये मेरी डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है, जो है अभी है। जो है अभी है और मतलब यही है कि यार हंसते खाते खेलते टाइम निकल जाए और जैसे आपका मनपसंद काम हो आप कर पाए कौन मुझे याद रखेगा कौन सा मैं देखने आने वाला हूँ जब मैं चला ही जाऊंगा तो कोई अगर मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया बात भी कर लोगे तो मुझे क्या हा, फायदा हा, तो जो आज का अप्रिसिएशन है आज आप प्यार दे रहे हो तुम बाढ़ के लिए दहाड़ के लिए वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज ए प्रोड्यूसर वैसी फिल्में बनाना चाहता हूँ जिसमें कुछ अलग हो

तो बहुत टफ होता है कि वो क्रैक करना और फिल्म बनाने के लिए फिल्म नहीं बनानी है तो मुझे लगता है कि हम ट्राई कर रहे हैं एक आइडिया है जो हमने काफी नजदीक है उसके okay. तो एक बार वो आइडिया लॉक हो जाए तो फिर प्रॉपर राइटिंग शुरू हो जाएगी होपफुली दो साल में आ जाएगी okay. वर्ल्ड वॉर टू के टाइम के आइडिया हाय <laughs> हाँ, मैं हूं सोम शाह और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा